तो कई लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि एमएनसी क्या फ्रेशर्स को हायर करती है या नहीं करती है, और करती भी है तो कौन सी कंपनी है जो कि हायर करती है फ्रेशर्स को। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। डिटेल में बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर आप किसी और भी इंडस्ट्री के लिए भी एमएनसी को टारगेट कर रहे हैं तो क्या वो फ्रेशर को हायर करते हैं या नहीं करते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज़। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक आपने मेरे को व्लॉग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ नए वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि मैंने व्लॉग चैनल पर अपलोड किया है, और भीमताल मैं गया था तो सोचा कि वहाँ का एक व्लॉग चैनल अपना बना रखा है तो उसे भी जाके वह देख जरूर लीजिएगा। तो देखिए, एमएनसी जहाँ बात आती है तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि हमें ना इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लोगों को ही हायर करना है। ये सच बता रहा हूँ, इसी पैटर्न पर ये चलते हैं। मतलब कि वो उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि बंदा नॉलेजेबल हो, उसके पास एक मास्टर्स की डिग्री हो और उसे ही अपनी कंपनी में जगह दें। ये किस लिए ये करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि जो बंदा मास्टर्स किया रहता है उनकी सोच ज़्यादा ब्रॉड रहती है, ज़्यादा वो अपने करियर को लेके फोकस्ड रहते हैं, ऐसा माना जाता है। मैं कोई कहीं ऐसा कोई पैटर्न कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ वो जानते हैं, क्योंकि आप इनके हायरिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो उनसे वो अक्सर आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपने मास्टर्स किया है या नहीं किया है, या फिर ये किसी कंपनी किसी कॉलेज में अगर हायरिंग के लिए जाते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर हायरिंग नहीं करते हैं, ये मास्टर्स लेवल पर हायरिंग करते हैं। मतलब कि किसी कॉलेज में अगर एमबीए किसी ने किया हुआ है या फिर एमसीए किया हुआ है तो वहाँ जाके ये हायरिंग करते हैं, और उनको वही बंदे ही समझ में आते हैं जो कि जिन्होंने मास्टर्स किए होते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन तो लगभग एक समझ लीजिए एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि आपको 12th से निकले हैं तो ग्रेजुएशन तो करेंगे ही करेंगे। तो MBA आने के बाद मास्टर्स में मतलब ये होता है कि आप फोकस हो जाते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, और मतलब आपको आप समझ में आता है कि मेरे को इधर ही जाना है। मतलब मास्टर किया है तो मार्केटिंग में जाना है तो आपने मार्केटिंग चूज़ किया हुआ है, या IT चूज़ किया है तो IT में जाना है, फाइनेंस में चूज़ किया है तो फाइनेंस में जाना है। तो आपने आपका एक हो गया कि फोकस हो गया कि आपको किधर जाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी यही फंडे चलते हैं और बाकी वो कंपनी उसके भी यही फंडे चलते हैं कि वो फोकस्ड बंदे लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो अपने करियर में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं तो उनको ही हायर करते हैं। इसलिए वो कॉलेजेस को ज़्यादा टारगेट करते हैं, और इसलिए वो फ्रेशर्स भी हायर करते हैं तो मास्टर्स वाले फ्रेशर्स ही हायर करते हैं। फिर आप बोलेंगे तो फिर हमारा तो वहाँ होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने MNC ज्वाइन किया था इस कंपनी से पहले जहाँ मैं काम कर रहा था, वो MNC थी, और MNC भी ऐसी थी क्योंकि वो MNC में समझ लीजिए कि मैं लगातार इंटरव्यूज़ दे रहा था, और वो MNC टकराई मेरे से, ऐसे टकराई कि ये कंपनी USA की बहुत बड़ी कंपनी थी, और मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी, और वो यहाँ इंडिया में अपने नोएडा में अपना एक ब्रांच खोली थी सिस्टर कंसर्न कंपनी, जिससे मैं वो पूरी टीम हायर कर रही थी। अब हम क्या करते हैं कि हमारा तो फोकस सिर्फ रहता है कि MNC मतलब इन्फोसिस, TCS या फिर SCL या फिर इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका मुंह पे नाम होता है बस हम वही जानते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि लोगों को पता भी नहीं होता कि वो रियली ऐसी कंपनी है। IBM वगैरह हम सोचते रहते हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी भी होती है जो कि वहाँ पर USA की बड़ी कंपनी है और यहाँ से अपना सारा काम प्रोसेस जो है यहाँ से करके वो USA भेजते हैं। तो आपको भी यही करना है, आपको सर्च करते रहना है, टारगेट करते रहना है, इंटरव्यूज़ देते रहना है। तो मेरा क्या हुआ था कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ उस समय उनकी मैं जब इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर सिर्फ मात्र 4 बंदे थे, ठीक है, सिर्फ 4 बंदे थे जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने कहा था कि ये, फिर मैंने बोला कि उन्होंने पूछा कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे, बिल्कुल इमीडिएट मतलब इंटरव्यू हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ज्वाइन करना चाहेंगे आप, यस नो में साफ जवाब दे दीजिए। मैंने कहा क्या कि मैं बिल्कुल ज्वाइन करना चाहूँगा, बट क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो वो जिस नाम से काम कर रही थी तो वो नाम और कहीं नहीं था, मतलब कि मतलब समझ लीजिए कुछ XYZ नाम था, तो उस मतलब वो नाम से यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं थे, वो किसी और नाम से रजिस्टर्ड थे। तो मैंने सर्च किया था तो बड़ी छोटी सी, मैंने कहा सैलरी वगैरह टाइम पे मिल जाएगा क्या,
तो उन्होंने कहा कि अरे आप हमें छोटी कंपनी समझ रहे हैं क्या? तो मैंने कहा है कि सिर्फ 4 बंदे हैं यहाँ पे और तो मैं छोटी कंपनी ही समझ रहा हूँ फिलहाल। तो फिर उन्होंने वहाँ की वेबसाइट खोली कि हमारे 4 ब्रांचेस हैं, एक यूके में है, हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में है, एक ब्रांच हमारा दुबई में है, एक हमारा यूके में है, अब एक ब्रांच जो है कि हम यहाँ इंडिया में खोल रहे हैं। जो टोटल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ बताई उन्होंने, करीबन 5,000 स्ट्रेंथ है हमारे एम्प्लॉय की। आपको ये लग रहा होगा कि ये कंपनी यहाँ पर छोटी सी कंपनी है, बट इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा होने वाला था, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा यहाँ पर। फिर मैंने जाके उन कंपनीज़ के बारे में सर्च किया और समझ में आया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, हम कुछ गिने चुने कंपनीज़ पर ही फोकस करते हैं, तो हमें उन सब सोच से ना थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। और वहाँ पे फ्रेशर्स भी उन्होंने हायर किया, वो क्या करते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हायर किया, जैसे कि मुझे हायर किया एक्सपीरियंस बंदा है पे, तो 4 फ्रेशर्स हायर किए हैं उन्होंने। तो फ्रेशर और बोलते हैं कि ये आपकी टीम हो गई, आप इनको ट्रेंड करो और इनसे काम लो, आपका यही जॉब रहेगा। तो यही प्रोसेस चलता है मैक्सिमम जगह, एमएनसी भी हायर करती है। हाँ बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि एमएनसी हायर नहीं करती डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को, ठीक है? तो ये रहता है अक्सर। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।